नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ, अपने स्टूडेंट के लिए है। और जो हमारे स्टूडेंट होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इसे टेलीकॉम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉपर जो काम कर रहे हैं तो उनको लगे ये वीडियो तो वो स्किप कर सकते हैं, ये उनके लिए वीडियो नहीं है। इसलिए मैं शुरू में हमेशा वीडियो में पहले बोलता हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर है, जो इस फील्ड में नए हैं, हम उनके लिए जानकारी लेके आते हैं। और ख़ासकर हम ये वीडियो बनाते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, जो हमारे स्टूडेंट पढ़ने के बाद अपडेट, उनको अपडेट जैसे बोलते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं। तो हमेशा अगर कोई चीज़ें नई आती है, अपडेट होती है, तो हम उनको उस टूल के माध्यम से हम अपडेट कराते हैं। जैसे UMT का भी जो वर्ज़न चल रहा है, क्या वर्ज़न चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। पर आपको अगर और भी कोई कंटेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चाहिए तो हमें आप वो कमेंट करिए कि हमें UMT का सारा सेटअप। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा, सबसे पहले आज मैं UMT के बारे में बताऊंगा कि UMT से हम क्या क्या कर सकते हैं और UMT में हमें क्या क्या करना होता है, सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे आपको। और आप देख सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर UMT का QC फायर हम खोलेंगे। QC फायर ये होता है कॉलकम के लिए होता है, UMT का QC फायर ये क्वालकॉम के लिए। आज इसके बारे में डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सबके UMT के कितने सेटअप हमें चलाने होते हैं। और पहले मैं बताऊंगा कि UMT कहाँ से डाउनलोड करें, सेटअप कैसे डाउनलोड करें और वो कैसे इंस्टॉल करें, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कैसा कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो हम ये UMT का QC फायर खोलेंगे, और QC फायर खोलने के बाद हम वो सारी चीज़ें आपको डिटेल देंगे कि UMT से आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, सेफ फ्लैशिंग और सारी चीज़ें आप डिटेल भी कर सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में आप जान सकते हो। UMT बहुत ही बेस्ट होता है सारी चीज़ें। चलिए, ये हमारे UMT का QC फायर खुल गया। QC फायर का हो गया 5.3 वर्जन चल रहा है अभी। ये क्वालकॉम के लिए होता है, मैं आपको बता दूँ, ये क्वालकॉम के लिए होता है ये QC फायर 5.3, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम इसमें इंटरफेस में आपको बताएंगे आप क्या क्या सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि आप फ्लैशर पे आप देख रहे होंगे, फ्लैशर पे आप जा करके ये जो ऑटो लोडर लिखा हुआ है, ये प्रॉपर बेस नॉलेज, फाइलों का नॉलेज हमें होना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये सब फाइलों को और अच्छे तरीके से जानना है कि XML फाइल क्या होती है, लोडर फाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके में अगर जानना है तो आप हमारा ऐसे टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, जिससे आपको अपडेट्स और भी मिलते रहेंगे। तो बेसिकली हमारे स्टूडेंट के लिए है कि हम उन्हें क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले फ्रेशर पे जाना है, फ्रेशर और लोडर। लोडर को जैसे हम आप टिक करते हैं, तो लोडर, पहली बात, UMT में जल्दी लोडर नहीं देना होता है। आप लोडर दे भी सकते हैं, पर लोडर आप तब दें कि जब आपका यहाँ पे नीचे पे लोडर एरर आए, ठीक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपका फ्लैशिंग का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वालकॉम को कहाँ से हम फ्लैश कर सकते हैं, UMT से। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, डेड रिक्स होने का, डाटा बचाने का, डाटा हटाने का। और दूसरी चीज़ होती है कि इसका जो प्रोटेक्ट IMEI, आप UMT से कोई सी फाइल दीजिए, क्योंकि फाइलों में चूज़ अनचूज होता है कि उसमें हम कौन सी फाइल लें तो हमारा कचरा ना जाए, वो तो सारी चीज़ें आपको ऐसे टेलीकॉम आप ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो लंबी बन रही है तो आप इसे वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। तो चलिए, हम देर ना करते हुए आगे हम प्रोग्राम पे चलते हैं। तो प्रोग्राम पे जैसे हमने टिक किया, तो अभी आप देख सकते हैं 3 डॉट है, यहाँ पे कोई भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन हाइड मतलब खुल नहीं रहा है। तो उसको करने के लिए आपको करना होगा, प्रोग्राम पे टिक करना होगा, और इसमें आपको XML फाइल रॉ देनी होगी, और पैच इसमें ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। जो उस फाइल का पैच, एक्चुअल पैच होगा, वो पैच इसमें ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। आपको पैच देने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल इसमें आपको एक फ़ाइल देनी है और वो आपको प्रोग्राम फाइल देनी है, रॉ प्रोग्राम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फाइल का लिंक लिया हुआ है, हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये फाइलों का लिंक, छोटी छोटी ट्रिक आपको मिल जाएगी, आप इसे टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉ प्रोग्राम एक दिख रहा है, बस जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे सारी फाइलें लोड हो जाएंगी। दोस्तों, ये MI का हो, चाहे वो आपका क्वालकॉम, मैं क्वालकॉम बेस बात कर रहा हूँ, ना कि कोई MI, ना कोई भी फ़ोन। मैं यहाँ पे क्वालकॉम मेथड के बारे में आपको, QC फायर के बारे में आपको डिटेल कर रहा हूँ, UMT का QC फायर, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फाइल लोड हो गई है। अब इसमें दोस्तों 2-3 चीज़ें आती हैं, इसका डेड रिक्स और इसमें फाइल सही है कि नहीं है। UMT का ऐसा डोंगल है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता देगा कि आपकी फ़ाइल सही है, इनक्रप्टेड है, ख़राब है, तो वार्निंग दे देगा। चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोटेक्ट IMEI। अगर इसको हम हटा सकेंगे तो ये आपका IMEI डिलीट भी कर सकता है, बट आप इसको कहेंगे, आप कोई सी फाइल देंगे तो इसमें आपका IMEI कुछ भी नहीं होगा।
चलिए अब हम आगे चलते हैं कि सर इसमें हम डाटा बचा सकते हैं। नहीं बिल्कुल, आप डाटा को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप कस्टमाइज़ को टिक करना है, वो पूछ रहे हैं श्योर आपको कस्टमाइज़ करना है कि नहीं करना है। तो आपको, आप सबसे नीचे जाके देख रहे होंगे यहाँ पे यूज़र डाटा, आप यूज़र डाटा को अनटिक करेंगे दोस्तों तो और आपका यहाँ पे यूज़र डाटा सेव हो जाएगा। अगर आप लोगों की कंडीशन में किसी भी कस्टमर का यूज़र डाटा बचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा करके यूज़र डाटा को अनटिक कर देंगे और फ्लैश कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपको यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक करना है और एडीएल मोड पे कनेक्ट करना है। अब एडीएल मोड तीन तरीक़ों से लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें और अच्छे से डिटेल में आपको चाहिए और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आप इसको पढ़े, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे एडीएल मोड लाने के कितने तरीके हैं। एडीएल मोड लाने का पहला तरीका है टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट एडीएल मोड लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है केबल बूट स्पेशल, स्पेशल बूट केबल, स्पेशल बूट केबल मतलब एडीएल केबल होता है। और तीसरा आपका हो जाएगा वॉल्यूम अप और डाउन दोनों एक साथ दबा करके आपको यूएसबी केबल लगाना है। तो तीन टाइप से आप एडीएल पोर्ट ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। बस फ़ोन को कनेक्ट करना है आपको और फ़ोन आप कनेक्ट करेंगे तो आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड टैब है रीड इन टूल का, ये तो हो गया हमारी फ्लैशिंग, एनी कॉलकम की फ्लैशिंग। और यहाँ पे अगर कभी लोडर का एरर आता है तो उसको अनटिक करेंगे और जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी फायर हाउस डॉट एमएल फाइल आ जाएगी, तो हमारी लोडर फाइल भी हो गई। बट हम सबसे पहले इसको ऑटो लोडर से करते हैं तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अब हम रीड इन टूल पे बात करते हैं। तो रीड इन टूल में हम क्या क्या कर सकते हैं, जो जेन्युइन काम है दोस्तों मैं आपको बता दूं। आप कोई सा भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले अपना ब्रांड और मॉडल कि आप देखिए कि आपको क्या करना है। तो इससे पहले मैं इन सारे टैब के बारे में आपको बता देता हूँ कि टैब क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, उसमें एक मोड होता है जो कि हमारे इंडिया में तो अभी पॉसिबल नहीं है, वो मतलब बाहर के फ़ोन आते हैं। ये जो लिखा है FTM टू EDL जैसा कि आप देख रहे हैं, तो FTM एक बाहर के फ़ोनों में आता है, एक मोड है। FTM को मैं फुल फॉर्म बता दूँ, फैक्ट्री टेस्ट मोड बोलते हैं इसको। FTM को बोलते हैं फैक्ट्री टेस्ट मोड बोलते हैं, इसको EDL में हम ला सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं FTM फैक्ट्री टेस्ट मोड टू EDL में आप ला सकते हैं। तो सबसे पहला टैब हम करते हैं रीड इन्फो। तो रीड इन्फो मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ उसका सॉफ्टवेयर वर्जन कि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है, क्या है उसका सिस्टम डाटा आप निकाल सकते हैं कि कौन सा फ़ोन है। आपको लगता है कि हमें फ़ोन का मॉडल नहीं पता चल पा रहा है तो आप यहाँ से एडीएल पे जा करके, एडीएल मोड पे जा करके आप उसका रीड इन्फो कर सकते हैं। जैसा कि आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वही बोलेंगे कि आप एडीएल मोड पे कनेक्ट करो सारी चीज़ें। मैं एक टैब को बस आपको खोल के दिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं स्टॉप कर दूँगा। चलिए ये पहला तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर वर्जन, आप जान सकते हैं कि उस आपके फ़ोन में कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है। अब दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर रीड फर्मवेयर लिखा है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोई सा भी फ़ोन अगर आपके पास हार्डवेयर के लिए आया या फिर हार्डवेयर के लिए फ़ोन आया और आपके पास टाइम है, आप उस फ़ोन का प्रैक्टिकली रीड कर लो जिससे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। रीड फर्मवेयर मतलब हो जाएगी आपकी एक टेस्टेड फाइल हो जाएगी दोस्तों। मैं बता दूँ किसी भी फ़ोन का, एनी क्वालकॉम फ़ोनों का आप यहाँ पर फर्मवेयर रीड कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका रीड पैटर्न। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता, मैं इसके बारे में या तो पहले बता दूं या लास्ट में बता दूंगा। पहले तो आपको यूनिवर्सल ही करना है, क्वालकॉम बेस पे करना है। नहीं होता है तो आपको मैं दोस्तों बता दूं, अगर आपका जैसे रीड इन्फो नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, फिर अपना ब्रांड लेना है। जो भी आपका ब्रांड होगा, Xiaomi, Vivo, Oppo, LG, LYF, माइक्रोमैक्स, जो भी आपका फ़ोन होगा इसमें आपको अपना ब्रांड लेना है, उसके बाद अपना मॉडल लेना है। जैसे सपोज हम ले लेते हैं, इसमें कोई भी ले लेते हैं, Entex, iTel हमने ले लिया। अब इसमें जो भी जितने मॉडल्स होंगे आपके मिल जाएंगे, जैसे हमारे Oppo, Vivo के भी होते हैं, Oppo के ले लिए, Oppo हमने ले लिया 37A71F F3+। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। तो आप यहाँ से लेकर के पहला तो आप यूनिवर्सल कर सकते हैं, फिर आप उसको प्रॉपर ब्रांड और मॉडल लेकर के यहाँ पे टैब पे काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट पैटर्न, तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको 6.0 के ऊपर आपका रेट पैटर्न कभी भी नहीं होगा। बट आपको एक बार रेट पैटर्न ट्राई करना है, जैसे किसी फ़ोनों में रेट पैटर्न लगा होता है तो आप उसका पैटर्न रेट कर सकते हैं। चौथा टैब है FRP रिसेट। तो एनी कॉलकम आपको कुछ नहीं करना है, अपना ब्रांड लेना है, मॉडल लेना है और FRP पे क्लिक करना है और रेडियल मोड पे कनेक्ट करना है दोस्तों, तो आपकी FRP रिसेट हो जाएगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मेट FS का ऑप्शन है। तो फॉर्मेट FS में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉर्मेट FS जो हमारे नए फ़ोन हो रहे हैं, जैसे ओप्पो वीवो के जो फ़ोन आ रहे हैं, ओप्पो और वीवो के जो भी फ़ोन हैं, जैसे हम सपोज वीवो को ले लेते हैं, वीवो मॉडल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, वीवो का कोई भी एक मॉडल, जैसे हमने Y53 ले लिया या V9 कोई भी ले लें, हम जो लेटेस्ट फ़ोन है अभी का, हमने जो भी ले लिया वीवो V9 जो भी हमने ले लिया। अब इसमें आपको जो नए फ़ोन होते हैं, मैं एक्चुअल बता दूँ कि नए फ़ोन वो फॉर्मेट नहीं होते हैं,
तो उसके लिए क्योंकि FRP पे तो जाते ही नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहले उस फ़ोन को फॉर्मेट करना होता है। तो कोई भी नया फ़ोन आया दोस्तों, तो आप इसको सबसे पहले फॉर्मेट FS करेंगे, उसके बाद आप उसकी FRP उठाएंगे, जब उसमें FRP एज अ कंडीशन लगेगी तब। अब मैं बता दूँ इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट, तो ये डायग्नोस्टिक पोर्ट हमारा जो बेसबैंड की फाइल होती है, तो मैं बेसबैंड की फाइल बता दूँ, क्यूसिन की फाइल होती है जिसमें, और बेसबैंड नेटवर्क की फाइल होती है, उसको हम रीड राइट करने के लिए दोस्तों, तो ये डायग्नोस्टिक पोर्ट में आपको लाना होता है। तो यहाँ से भी आप डायग्नोस्ट इनेबल डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे हमारा OEM और आपका OEM जो होता है और आपका USB डीबगिंग, उससे आप इनेबल कर सकते हैं अपना इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट। जैसे हमारा क्वालकॉम में पोर्ट होता है 9008 EDL पोर्ट बनाता है, जैसे एक डायग्नोस्टिक पोर्ट भी होता है, वो सारी डिटेल में आपको ड्राइवर को डिटेल चाहिए तो आप इसे टेलीकॉम जाकर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, तो आप देखें लास्ट तक, देखें आपके लिए बना है, जिससे जो नए फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो ये वीडियो को देखेंगे तो उन्हें अच्छी तरीके से UMT का चलाने का सेटअप पता चल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लिखा है आपका नेक्स्ट स्टेप, मैं बता दूं सबसे पहले मैं इस स्टेप का महत्व है, फिर अगर वो फॉर्मेट के बाद FRP पे आता है तो बस नॉर्मल आपको यहाँ से FRP रिसेट करनी है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आपका टैब यहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल करी दी है, फिर मैंने भी बताया था एक क्यूसिन के बारे में, तो हम यहाँ पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बैकअप क्यूसिन लिखा हुआ है, तो बैकअप क्यूसिन मतलब होता है किसी भी फाइल का बेसबैंड, बट बेसबैंड फाइल आप किसी का ले करके और राइट करेंगे तो दोस्तों उसमें उसका कचरा भी चला जाएगा, कचरे का मतलब IMEI भी उसमें राइट हो जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको एडिट करनी होती है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो ये बैकअप क्यूसिन किसी भी फ़ोनों का आप क्यूसिन ले करके राइट कर सकते हैं, पर ये जो होगा ये दोनों टैब जो काम करेंगे, रिसेट क्यूसिन और राइट क्यूसिन, ये आपका डायग्नोस्ट पोर्ट में काम करेगा। तो डायग्नोस्ट पोर्ट में काम कर, जैसे देखिए सपोज मैंने इसमें क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो बोलेंगे हमें डायग्नोस्ट पोर्ट चाहिए, तो पहले वो पोर्ट को स्कैन करेंगे, जैसे देखिए, और जैसे आपका डायग्नोस्ट पोर्ट बनाएगा यहाँ पे, डायग्नोस्ट पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका यहाँ पे रीड होना चालू हो जाएगा, और राइट भी ऐसे ही होगा। ये क्यूसिन क्या है मैं बता दूँ, क्यूसिन एक बेसबैंड की फाइल होती है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी अच्छे से समझना है तो हमारा ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक तीसरा टैब है इसका, जो टैब है मेन हमारे टैब हैं, ये हमारा तीसरा जो टैब है ये Xiaomi का, जो Xiaomi में भी Qualcomm आता है और आपका स्पेक्ट्रम MediaTek भी आ जाता है, दोनों CPU भी आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम अभी नहीं आ रहा है मैं आपको बता दूँ। इसमें जो आ रहा है इसमें आपका आ रहा है Qualcomm बेस या MediaTek, पहले हमारे MediaTek नहीं आता था, अब MediaTek आना चालू हो गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे पहला टाइप आप देखते हैं रिबूट टू EDL, मतलब अगर आपका फ़ोन EDL मोड पे नहीं जा रहा है तो अभी इन दो मेथडों से उसका EDL मोड ला सकते हैं, मतलब चालू मोड में रिकवरी मोड में आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ADV मोड पे, आप जैसे रिकवरी, हमारा फ़ोन जो होता है दो मोडों पे होता है, आपका एक होता है रिकवरी और एक फास्ट बूट मोड होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फास्ट बूट डिवाइसेस, आप फास्ट बूट मोड, जैसे MI का जो भी फ़ोन होगा वो नॉर्मली फास्ट बूट मोड पे आ जाता है, तो आप नॉर्मल फास्ट बूट मोड पे जैसे ही फ़ोन आपका आ गया, बस फास्ट बूट मोड पे आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है और दो टैप से आप अपना EDL मोड पे ला सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका EDL नहीं आएगा दोस्तों आप उसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब आप बात करते हैं जो रिसेट MI कॉन, क्योंकि हमारे इसमें जो लगता है Qualcomm रहता है, अगर उसकी MI की Qualcomm में अगर आपको उसमें अकाउंट लग जाता है, अगर उसमें FRP लगता है तो नॉर्मल आप यहाँ से FRP हटा सकते हैं, अगर उसमें MI अकाउंट है तो पहला आपको लेना है ये MI अकाउंट रिसेट करना है, उसके बाद डिसेबल करना है। सबसे ज़्यादा 90% रिसेट हो जाता है, रिसेट से MI अकाउंट हट जाता है, नहीं हटा तो आप डिसेबल कर देंगे, ठीक है। अब ये फैक्ट्री रिसेट, दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर आपका इन दोनों टैबों से काम नहीं हो रहा है तो ये EDL मोड पे काम करेंगे, ये दोनों जो टैब है ये EDL मोड पे काम करेगा, और जो तीसरा टैब है ये फैक्ट्री रिसेट, ये आपका काम करेगा रिकवरी मोड पे। रिकवरी मोड पे ये पोर्ट बनाएगा, आपका ADV पोर्ट बना सकता है और आपका रिकवरी मोड पे जा करके आप इसको फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी फ़ोन होगा, जैसे MIM ले सकते हैं, Xiaomi स्पेशल है, उसमें रिकवरी मोड भी आएगा और फास्ट बूट मोड भी आएगा, तो यहाँ से जाकर आप फैक्ट्री रिसेट भी कर सकते हैं। अमूमन यहाँ पे MI अकाउंट हो, FRP हो, जैसे पैटर्न में है आपको लगता है कि टाइम लगेगा तो आप उसको रिकवरी मोड में जाके फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली यहाँ से आप फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी इनेबल डायग्नोस्ट पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, आप इसको फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद आप उसका इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट कर सकते हैं, पर आपको उसको ADV मोड पे करना होगा, क्योंकि बेसबैंड आपका फ़ोन चालू होता है, आप जा करके सेटिंग में भी जा करके अपना ADV इनेबल कर सकते हैं। USB डिबगिंग मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे कि आप देख सकते हैं USB डिबगिंग यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अपना USB डिबगिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। रीड क्यूसिन मैंने फिर से वही बताया, तो क्यूसिन आपकी वही बेसबैंड नेटवर्क की फाइल होती है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका जो मैं और एक टाइप मैं बता दूँ, जैसे जो जो फ़ोन दोस्तों ऑनलाइन ऑनलाइन आ रहा है, जैसे कोई 6 प्रो नोट प्रो कोई भी फ़ोन ऑनलाइन है, तो आपको यहाँ पे लॉगिंग आईडी देनी पड़ेगी। लॉगिंग आईडी आप देंगे तभी जा करके, और ये लॉगिंग आईडी जेन्युइन तरीके से काम नहीं करती है। ये लॉगिंग आईडी जो MI अकाउंट है, ये MI के सर्वर से ही मिलेगी, और MI के सर्वर से आपकी मिल गई तो आप उसमें जा करके ऑलरेडी आप कुछ भी काम जो ऑनलाइन के काम है उसमें आप आराम से कर सकते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि ऑथ एरर करके एक मैसेज आएगा, तो वो ऑथरर आपको इसमें लॉगिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो ऑथराइज होता है। इसको बेसिकली ऑथराइज बोलते हैं। आप यहाँ से जैसे इसको लॉगिंग आईडी दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, और आपका जो भी नए फ़ोन MI 6 नोट प्रो जो भी आ रहे हैं, वो आपका बेसिकली आप उससे FRP और MI अकाउंट आप इजीली हटा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।